सायला थाना अलका में दिनांक 11 सितंबर 2021 को परिवादी प्रदीप कुमार सोनी जिस जो कि मूलतः पाथेड़ी का रहने वाला है जिसकी दुकान उंदड़ी में जो रोजाना अपना सोना चांदी का माल भर के थैले में और उंदड़ी अपनी दुकान पे आता था सुबह और शाम को वापस घर जाता था माल लेकर उसके साथ में दिनांक 11 सितंबर को ही वापस जाते समय शाम के टाइम उंदड़ी और पाथेड़ी के बीच में 6:30 बजे के आसपास तीन लुटेरों द्वारा उसको रोक कर उसके साथ मारपीट की जाकर और उसका जो माल था दो थैलों में भरा हुआ सोना चांदी वगैरह गहने वो लूट कर फरार हो गए थे जिस पर मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू की गई और मुलजिमों की तलाश पता से की गई। इस बीच में 5-7 दिन में टेक्निकल सपोर्ट वगैरह के आधार पर हमने मुलजिमों का लगभग पता लगा लिया था और हमारी टीमें भी रवाना होने वाली थी। इनकी लोकेशन मोस्टली गुजरात की तरफ सूरत की तरफ आ रही थी। इस बीच में उक्त लुटेरों द्वारा जो माल लूटा गया था वो सूरत के अंदर किसी को बेचा जा रहा था। इसकी भनक वहाँ की गुजरात सूरत की पुलिस को लग चुकी थी और उन्होंने उक्त लुटेरों को मैं लूटे गए माल के उनको दस्तयाब किया गया जिस बीच हमको सूचना मिली जिस पर हमारे द्वारा वहाँ पहुँच जो माल था जो पुलिस थाना सूरत में खटोत्रा पुलिस थाने के अंदर उन्होंने 102 सीआरपीसी में माल को बरामद किया व दो मुलजिम जिसमें एक टिकमाराम माली निवासी उंदड़ी व दूसरा नीरोभाई रेबारी निवासी डीसा गुजरात का दोनों को दस्तयाब किया गया और उनको 41 DC के तहत उनको गिरफ्तार किया गया। ताबार मन SHO द्वारा पहुँच हमारी टीम द्वारा पहुँच कर उन माल को भी व प्लस मुलजिम उनको दस्तयाब कर हमारा लेकर थाना हाजिर आए। इसी बीच आते समय तीसरा मुलजिम जो सरीक मुलजिम था जितेंद्र कुमार मालिक बागरा रोड का उसको भी दस्तयाब कर इमरोजा थाने आए और तीनों को गिरफ्तार किया जा चुका है और उनकी PC प्राप्त की जाकर अग्रिम कार्रवाई जारी है। पूरे मुलजिम गिरफ्तार हो चुके हैं नहीं? मुख्य जो मुलजिम जिस प्रदीप कुमार के साथ जो मौके पर लूट करने वाले तीन थे और भी आगे पीछे सरीक मुलजिमान और सपोर्ट देने वाले मुलजिमान जो भी षड्यंत्र में सरीक होंगे उनकी गिरफ्तारी अभी शेष है और माल भी कुल माल 11 किलो और 145 ग्राम तो चांदी बरामद हुई है और 28 ग्राम सोना अभी तक बरामद हुआ है। अभी माल की बरामदगी भी शेष है।